तरह के लक्षण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये आम तौर पर होने वाला मौसमी बुखार नहीं है। मौसमी बुखार मतलब जिसे वायरल कह देते हैं, जो किसी वायरस की चपेट में आने से हो जाता है और 3-4 दिन में मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बुखार के साथ खून में प्लेटलेट्स की गिनती कम हो रही है। प्लेटलेट कम होते हैं आमतौर पर डेंगू होने पर। हालांकि ये जरूरी नहीं कि अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो मरीज को डेंगू ही हो, लेकिन इलाज वहीं शुरू किया जाता है जो डेंगू के मरीजों का किया जाता है। कुछ जगहों पर तो ऐसे मरीज को यही माना जा रहा है कि इन्हें डेंगू हुआ है। वैसे भी बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसमें डेंगू हर साल फैलता है, तो ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन सारे मरीज ऐसे नहीं हैं जिनके खून में प्लेटलेट गिर रहे हो। कुछ को तेज बुखार हो रहा है, शरीर में जगह जगह एलर्जी या जलन की शिकायत हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें बदन दर्द और जोड़ों में दर्द परेशान कर रहा हो, तो कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग तक पर बुखार का असर है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में इस जानलेवा बुखार के फैलने के बाद लखनऊ से एक टीम पहुंची है। न्यूज 18 की टीम ने टीम में मौजूद डॉक्टर एसएन सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, ये कहिए कि जो यहाँ पर ज्यादातर जो मरीज हैं डेंगू मलेरिया स्क्रब टाइफस, क्या क्या किस तरीके के मरीज हैं यहाँ पे? ज्यादातर मरीज जो है वो डेंगू के हैं, डेंगू के मैक्सिमम पेशेंट्स हैं। बाकी कुछ मरीज हैं जो कि सिंपल जनरल वायरल के हैं, कुछ डायरिया के भी हैं, यही सब वैरायटीज़ हैं। स्क्रब टाइफस के एक पेशेंट जिसमें थोड़े लक्षण भी लग रहे थे, उसकी पुष्टि भी हुई है। अच्छा, तो स्क्रब टाइफस के उसमें क्या लक्षण है? डेंगू मलेरिया इन सबसे अलग क्या है? इनके जैसे इसमें भी बुखार होता है, बुखार के बाद बदन में दर्द होता है, किसी किसी को एक रैश होता है, एक खास रैश होता है यूजुअली बाइट साइट पे, जहाँ पे ये जो माइट होता है उसके लार्वा के काटने से होता है, ये रिकेक्शिया बैक्टीरिया एक तरह का होता है, वो इंटर करता है शरीर में, तो जहाँ पे बाइट होता है वहाँ पे एक जो है निशान धब्बा जिसको स्कार कहते हैं, इशार कहते हैं काले रंग का, वो बन जाता है। इसके अलावा जो कुछ बच्चों में थोड़े से सांस की भी समस्या होने लगती है इस बीमारी में, कुछ बच्चे में बेहोशी वगैरह हो सकती है और कभी लीवर पे भी असर आता है। तो ये क्या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है? खतरनाक अगर इसे ज़्यादातर बच्चों में बहुत आसानी से अगर शुरू में ही इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है और उतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं होती, और किसी किसी में वैसे भी ठीक हो जाता है और कुछ ही होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा गंभीर रूप लेता है। फिरोजाबाद जिले के कई गांव इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में हैं। कई परिवार अपने मासूम खो चुके हैं। गांव की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम इलाके में मौजूद नगला गोकुलपुर गांव पहुंची, जहां टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पूरे गांव में वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को समझने की कोशिश की। हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद के एक गाँव नगला गोकुलपुर में। यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो जिले के हैं वो पहुंचे हैं, गांव का मुआयना कर रहे हैं और गांव में आखिर में ये स्थिति क्यों हो रही है, क्या है ग्राउंड स्तर पर स्थिति, ये तमाम चीजों को लेकर जायजा ले रहे हैं पूरी टीम के साथ में डॉक्टर डी के प्रेमी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यहां पर आप इस गांव में आए हैं, पानी हम देख रहे हैं कि गंदा पानी है, यहां पर भी मच्छर पनप सकता है। हालांकि कहा जाता है कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर वो पनपता है, लेकिन इस पानी से जो मच्छर होगा उसकी वजह से क्या हो सकता है अगर काटता है वो किसी? देखिए, यहाँ पे गंदे पानी की बात करें, क्यूलेक्स मच्छर और एनाफिलीज मच्छर पैदा होते हैं जिससे मलेरिया होने का चांसेस हैं। और एक चीज और है कि अगर हमने अभी घर कुछ विजिट किए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि हर घर में एक बड़ा सा ड्रम रखा नीले रंग का, उसमें लोग पानी इकट्ठा करते हैं जिसमें फ्रेश पानी होता है, 4-4, 5-5 दिन का पानी होता है, उसे साफ नहीं करते हैं। उसमें देखा जा रहा है कि लार्वा भी अभी सामने घर है तो उसमें एडिस का लार्वा। यहाँ पे बात करें तो पानी में कोई बुलबुला सा छूटा, तो क्या ये मच्छर इसमें हो सकता है? नहीं, ये अभी जो दिख रहे हैं आप नीचे देखिए पानी के, यहाँ लार्वा घूम रहा है बीच बीच में, तो ये सब ये उसकी वजह से ये है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और घर घर में क्योंकि और इससे मलेरिया हो सकता है। जी, इससे मलेरिया हो सकता है। डॉक्टर साहब, और भी गाँव में आप जा रहे होंगे? और इस गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग घरों में भी पहुंची, जहां कई जगह पानी जमा दिखाई दिया।
और उसमें मच्छरों के लार्वा भी मिले। नगला गोकुलपुर गांव में एक घर में हम पहुंचे हैं। गांव में मुआयना किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और ये देखिए कि किस तरीके से पानी जगह जगह पर जमा है, चाहे वो गंदा पानी हो या फिर साफ पानी हो। बारिश का पानी होता है, बारिश होती है, इसके बाद पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाए। ये देखिए आप खुद दे सकते हैं तस्वीरों में कि लार्वा पनप रहा है और ये खतरनाक स्थिति है यहाँ पर फिरोजाबाद में। और मेडिकल टीम यहाँ पर जायजा ले रही है। ये देखिए इस तरीके के ड्रम, आप देखिए कि ये नीले कलर का जो ड्रम है वो जगह जगह पर हर घर में नजर आ जाएगा और पानी उसमें भरा हुआ है। कितने दिन का पानी है पता नहीं है, लेकिन ये क्या, ये जो पानी है यहाँ पर आप जमा है, ये आप मानते हैं कि इसकी वजह से भी डेंगू हो सकता है? बिल्कुल, जो पानी है फ्रेश पानी है तो उससे डेंगू का चांसेस, जैसा भी अब हम देख रहे हैं कि आप काफी लार्वा है और पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी क्योंकि हमने ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको कि भैया पढ़े लिखे हैं कि आप घर में पानी भर के ना रखें, पानी भरें जरूरत है तो उस पहले सुबह साफ करें, ड्राई करें, उसके बाद भरें और ढक के रखें, खुला बिल्कुल ना रखें। और जिस तरह से यहाँ पे है दिख रहा है इसे बिल्कुल साफ कर ले। जब तक ये लार्वा खत्म नहीं करेंगे, मच्छर खत्म नहीं करेंगे, तब तक डेंगू कंट्रोल करना मुश्किल काम है। हम लगातार हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि हम भविष्य के लिए ध्यान करते हुए इसको बिल्कुल ड्राई करें, ये सब बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर और इसी तरह एक दूसरे घर में जानवरों को चारा खिलाने वाले हांड में भी पानी दिखाई दिया। पानी जमा होने के बारे में गांव से बात की गई तो पता चला कि बिजली थोड़ी देर से आती है, इसलिए लोग मोटर चलाकर पानी स्टोर कर लेते हैं। ये चारा, इसमें चारा दिया जाता है जानवरों के लिए और इसमें पानी का भी इस्तेमाल होता है, चारा और पानी दोनों होता है। लेकिन जो आप पानी इसमें देख सकते हैं कि पानी ये कितने दिन से होगा इसमें जमा, चारा तो खा लिया जानवर ने लेकिन पानी रह जाता है और उस पानी में भी पनप सकता है। जी हाँ, उस पानी में डेली अगर साफ नहीं करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे तो इसका लार्वा पनप सकता है इसका। तो यहाँ पे एक कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ पानी का स्टोरेज की वजह से लोग उसको ये फैलने का पूरा चांसेस है। तो मैं सब लोगों से, जनता से, पूरा सब लोगों से, साथियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने घर के लिए जो भी जानवर को चारा खिलाएं डेली उसको साफ करें अच्छे से और पानी भर के रखें तो डेली साफ करें, बिल्कुल ड्राई करके उसे ढक के रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ये फिरोजाबाद में ही ये इस तरीके की स्थिति है? कुछ जिलों में भी तो उत्तर प्रदेश के आया है मामला, मथुरा, आगरा और भी जगहों पर, गौतम बुद्ध नगर में। देखिए बाकी तो बाकी, क्या यहाँ पे ज्यादा ये स्थिति है कि जो वाटर स्टोरेज है कई दिनों से पड़ा हुआ है वो ज्यादा है संख्या में? जी, हमने नगर निगम से भी बात की है और नगर पालिका में देखते हैं फिरोजाबाद में, क्योंकि एक घंटे से दो घंटे पानी की सप्लाई होती है तो लोगों में डर रहता है, भयावत होता है कि पानी हमें चाहिए। इसलिए लोगों ने बड़े बड़े, जिस तरह से आप नीले बड़े ड्रम देख रहे हैं, हर घर में मिलेंगे, यही एक कारण है कि जो हम इसको ठीक कर सकें। उत्तर प्रदेश के दो जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी ने टेंशन बढ़ाई है, वो है फिरोजाबाद और मथुरा। फिरोजाबाद में 51 लोगों की मौत की खबर है जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। लगातार अस्पतालों में लोग बीमारी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हाल मथुरा का भी है जहाँ अस्पताल पहुंचने वाले लोगों में आधे से ज्यादा बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यूपी में आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, फरुखाबाद, बलिया और गौतम बुद्ध नगर भी ऐसे ही जिलों में हैं जहां बुखार के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये